भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के खिलाफ खेल मध्यस्थता अदालत में अपील करने और रजत पदक मांगने पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने जो मांग की है वो जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो अपने 3 मैच लड़े थे उसमें उन्होंने जीत पाई थी। उम्मीद करती हूँ कि उनके साथ न्याय होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार मजबूती से उनकी लड़ाई लड़वाएगी और जो अपील की है उसमें समर्थन भी करेगी। बिल्कुल, उन्होंने जो अपील की है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जो अपने 3 बाउट्स लड़े थे वो उसमें उन्होंने जीत हासिल पाई थी, और उनको डिस्क्वालीफाई इस तरीके से करना, और कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है और जो पूरी टीम गई हुई है उनका पुख्ता तरीके से लड़ाई लड़ना इस नाइंसाफी के खिलाफ, मैं मानती हूँ कि उनको हमारे जो सिल्वर मेडल उनको मिलना चाहिए था उससे उनको वंचित रखा गया है। उम्मीद करती हूँ उनके साथ न्याय होगा। बात फैसिलिटीज़ की नहीं है, सबसे बात इम्पॉर्टेंट है कि उनको उस समय पे समर्थन मिलना चाहिए था जब जब उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो जंतर मंतर पे हो, तब पूर्व मुख्यमंत्री हों जो अब केंद्र में आ गए हैं या अब के मुख्यमंत्री हों, उन्होंने किसी ने हरियाणा की बेटी की आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि उसमें जातिवाद ढूंढने का काम किया, प्रांतों में लोगों को बांटने का काम किया, और अब वो सबसे बड़ी उनकी लाइफ की चुनौती है जहाँ पे जीता हुआ मेडल वो हार गई हैं क्योंकि एक आर्बिट्रेरी डिसीजन लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार उनको पूरी मजबूती से लड़ाई लड़वाएगी, जो उन्होंने अपील की है उसमें उनका पूरा समर्थन करेगी।